नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद रोमांचित कर देने वाली खबर सामने आई है, जिसे सुनकर और देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और अब आप भी सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, अगर आप भी घर से बाहर जा रहे हो, आपकी बहन बेटी घर से बाहर जा रही हो। ये साथियों बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद दर्दनाक खबर आ रही है राजस्थान के जयपुर से। यहाँ पर दोस्तों बता दें, एक स्थान पड़ता है हरमाडा, जयपुर में जो स्थान पड़ता है हरमाडा, यहाँ पर चलती जो यात्री बस है उससे एक महिला को खींचा गया और उससे जबरन दुष्कर्म किया गया। जी साथियों बता दें, जयपुर ज़िले के हरमाडा थाना क्षेत्र में यहाँ पर एक 40 वर्षीय महिला को दिन दहाड़े मिनी बस में से खींच लिया और उसके साथ दुष्कर्म कर दिया। ये सनसनीखेज मामला पुलिस के सामने पेश आया है। दोस्तों बता दें, दिन दहाड़े इस वारदात को मिनी बस के जो ड्राइवर है उसने ही अंजाम दिया है। अब तो ड्राइवरों पर भी हम विश्वास नहीं कर सकते। इसके बाद आधी रात को महिला बेहोशी की हालत में परिजनों को मिली और आप बीती सुनाई। आरोप है कि जब पीड़िता के परिजन उसके गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराने हरमाडा थाने पहुंचे, तो पुलिस ने उन्हें 24 घंटे बाद आने की बात कहकर वहां से भगा दिया। दोस्तों बता दें कि इस वारदात के सामने आने के बाद सुबह बीजेपी ने पुलिस पर ढिलाई बरतने का आरोप लगाते हुए जमकर वहां पर प्रदर्शन किया। वहीं हरमाडा थाना पुलिस ने बाद में FIR भी दर्ज कर ली, आरोपी बस ड्राइवर को भी पकड़ लिया। पीड़िता के बयान लेने के साथ आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पीड़िता के पति का आरोप है कि शाम करीब 5:30 बजे वह हरमाडा थाना क्षेत्र में शिकायत देने पहुंचा तो थाने के गेट पर मिले कांस्टेबलों ने उसे रोक लिया। घटना की जानकारी देने के बावजूद उसकी रिपोर्ट नहीं ली गई, थाने में घुसने से रोक दिया गया और भगा दिया गया। धमकाते हुए वो बोले, तेरी पत्नी रात तक घर आ जाएगी, नहीं आने पर 24 घंटे बाद थाने आने को कहा। वहीं दोस्तों बता दें, महिला से दुष्कर्म करके उसे सुनसान जगह फेंकने की वारदात का पता चलने पर सुबह बीजेपी के नेता वहां पर मौके पर पहुंचे और उन्होंने महिला अत्याचार और बढ़ती राजस्थान में जो अत्याचार बढ़ रहा है, दरिंदगी बढ़ रही है, इसको लेकर जमकर प्रदर्शन किया। हरमाडा थाना पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की, पीड़िता की FIR तुरंत दर्ज करने की मांग की। पुलिस ने समझाइश की और मामले को शांत करवा दिया। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता के पति की शिकायत पर मारपीट और दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही मोबाइल की लोकेशन के आधार पर आरोपी जो बस का ड्राइवर है, जिसका नाम राजेंद्र है, उसको हिरासत में ले लिया है। हर अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। किस राज्य और कहां से वीडियो देख रहे हैं बताएं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।